मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ। आप जानते हैं, जब हस्तिनापुर में द्युत क्रीड़ा हो रही थी, जुए का खेल खेला जा रहा था कौरवों पांडवों के बीच, तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, या कहिए उनकी लीला थी, यही वो चाहते थे। अगर द्युत क्रीड़ा न होती तो युद्ध में पांडव हारते नहीं, और पांडव हारते नहीं तो महाभारत का युद्ध ना होता, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था कि समस्त क्षत्रियों और बड़े बड़े राजाओं का नाश एक ही स्थान पर लाकर कर दूं। कहाँ कहाँ किसको मारने जाएंगे, और उसमें कलयुग का प्रारंभ होना था। कलयुग के हर युग के प्रारंभ के समय, जैसे कलयुग के प्रारंभ होने के पहले, जैसे द्वापर युग अंत हो रहा था, तो वहाँ भगवान को अपनी लीला से सभी का उद्धार करना था, ताकि वो उस युग के अंत तक अपनी जो उपस्थिति थी वहीं तक रख सकें, अगले युग में ना जा सकें। अगले युग में केवल कुछ ही लोग जा सकते हैं। तो उस युग के अंत के लिए भगवान ने सोचा कि कैसी लीला रचाई कि सभी को कुरुक्षेत्र स्थान चुना, वहीं पर सबको मुक्ति दे दी जाए, और गीता का ज्ञान भी भगवान ने दिया। महाभारत पर्व के विभिन्न पर्वों में आपको मिल जाएंगे। तो अब मैं बताता हूँ, शाल्व भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर भैया, बड़े भाई, मैं उस समय शाल्व के सौभ नामक नगर की तरह एक विमान था। मैं आपको बता दूं, दो विमान पुराणों में मुख्य दो विमान का उल्लेख है। एक तो आप जानते हैं पुष्पक विमान, श्री रामचंद्र भगवान जिस पर बैठ करके अयोध्या धाम आए थे, जो कि कुबेर का था, बनाया गया था विश्वकर्मा जी के द्वारा। तो पहला विमान जो कि सब बच्चे बच्चे को मालूम है, पुष्पक विमान। दूसरा विमान मैं आपको बना रहा हूँ, सौभ। यह सौभ विमान भगवान शिव जी ने, शिव जी की तपस्या किया तो मैं दानव जो था, रावण का ससुर, उसने लोहे से एक विमान बनाई जिसका नाम था सौभ, और नगर की तरह दिखता था, पूरा नगर था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब शालों को मारा तो उसके सौभ विमान को नष्ट कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे बड़े भैया युधिष्ठिर, उस समय मैं शाल्व नामक एक अत्याचारी राजा, जो कि शिशुपाल और जरासंध का मित्र भी था, कि कभी कभी उसको शिशुपाल का बड़ा भाई भी माना जाता है, उसने जब मैंने शिशुपाल का वध किया तो उसने कहा कि तुमने मेरे भाई का, छोटे भाई का वध क्यों किया, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था 100 गाली मैं बर्दाश्त करूंगा, उसके बाद बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो बोले, उसी को मारने के लिए मैं उसके नगर वहां चला गया था। वहां नगर का नाम बनाते बोलते आनर्थ देश में चला गया था। वहाँ उसने महान संहार मचा रखा था। और उसने क्या किया था, ये आनर्त देश ना कहीं द्वारिका के आसपास आता है, श्री महाभारत में आपको वर्णन मिल जाएगा अच्छे से। तो जय श्री राम। तो कहते हैं कि आनर्त देश में वो बार बार मेरे घर पे आता था, मैं तो यहीं था आप लोगों के पास, तो आता था, बोलता था कि श्री कृष्ण कहाँ हैं, कहाँ हैं जनार्दन, मैं उनको मारूंगा, उन्होंने शिशुपाल का वध कर दिया। इस तरह से हे कुरुश्रेष्ठ, हे युधिष्ठिर जी, जब मैं द्वारका जाने पर मैंने देखा कि मार्तिकाओं तक देश के निवासी दुष्ट रात्मा एवं दुर्बुद्धि राजा शाल्व ने मेरे प्रति जो दुष्टतापूर्ण बर्ताव किए वो सब कुछ सुना, पूर्णानंद, तब मेरा भी मन उससे व्याप्त हो गया। बोले कि मैं बहुत व्याकुल हो गया, मन ही मन निश्चय किया अब शाल्व को वध करूंगा ही करूंगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यह शाल्व जो था, इसका वर्णन यह काशीराज की जो दो पुत्रियाँ थी, अम्बा अम्बालिका, तीन पुत्रियाँ थी, अम्बा अम्बिका अम्बालिका, तो अंबा के लिए यह वर में आया था अंबा से विवाह करने के लिए, लेकिन भीष्म बीच में पहुंच गए और तीनों का हरण करके लाए, और ये दमघोष के पुत्र शिशुपाल का बड़ा भाई कभी कभी कहा जाता है, कभी कभी मित्र कहा जाता है, जो चेरी देश के राजा थे शिशुपाल। तो और बाद में आप जानते ही, अम्बा जब वापस आ गई वहाँ से तो बोली कि मुझे स्वीकार करो, तो उसने स्वीकार नहीं किया था। तो शाल्व से भगवान ने द्वारिका से दूर देखा कि वह एक वहाँ पर एक द्वीप दिखाई दिया, समुद्र का द्वीप, वहीं पर ये था। भगवान वहाँ 5 जनसंघ लेकर चले गए, शाल्व को समर भूमि में बुलाया, युद्ध के लिए उपस्थित हो गए। वहाँ पर और भी उसके निवासी थे, सौम निवासी दानों के साथ। भगवान कहते केवल मेरा 2 घड़ी युद्ध हुआ, तब मैंने सबको वश करके पृथ्वी पर मार गिराया। तो हे युधिष्ठिर जी, उस समय यदि मैं हस्तिनापुर में होता,
या द्वारिका में भी होता, सुनता तो मैं आ जाता, लेकिन उस समय मैं युद्ध में रत था। इस समय इसलिए मैं आपके द्युत क्रीड़ा अर्थात आप लोग जो जुआ खेल रहे थे, मित्र जुआ खेलना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जुआ खेलना एक पाप कहा जाता है। ऐसा कर शिकार करना, जुआ खेलना, मद्यपान करना, ये सब मनुष्य को अंधकार में अवश्य ढकेल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इसी शिक्षा के साथ मित्रों, अब आपको कारण पता चल गया, भगवान श्री कृष्ण होते तो आज पांडवों को हार दे देते। यही मान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की यही इच्छा थी। अगर आपको ऐसे पौराणिक प्रसंग सुनने हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं या कमेंट करके अपनी व्यवस्था बता सकते हैं। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।